और मेरी कुछ और कुछ और भी कुछ और हो सकती है। मैं एक चित्र बना रहा हूँ, पांच पात्र हैं, बातचीत कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से देशभक्ति है क्या। कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर यानी एक ठीक बात चाय की दुकान पर चार लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा कि मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है न कि वास्तविकता से। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा वाह, बस मान लें घर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी हवा, आ जाएगी उन्नति, फिर तो हम मान लेते हैं कि हम चौदहवीं सदी में जी रहे हैं। आप ये चाहे बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं, आप ये चाहे बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं, देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव, देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव तुम्हारे चचा लेके आएंगे, अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव तुम्हारे चचा लेके आएंगे। ताकि सड़क पर खड़ा हो जाना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। बोले कैसे? बोले लोगों को मोटिवेट कीजिए, आर्टिकल लिखिए, जुलूस निकालिए, आगे आगे लिखिए, पोस्टर छपवाइए, चैनलों पे जाइए। आपको शायद ज्ञान नहीं है ये देशभक्ति इतनी आसान नहीं है, आपको शायद ज्ञान नहीं है ये देशभक्ति इतनी आसान नहीं है। तभी चौथे ने कहा देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो चुनी हुई सरकार का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए, कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए, कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में चुनी हुई सरकार का समर्थन जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। इसके बाद दोस्तों कविता यहां से शुरू होती है। इसके बाद उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी भक्ति, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। और आप देशभक्ति के एक 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 पंक्ति में देशभक्ति का एक आयाम देखिएगा और जहां जहां बात आपको अच्छी लगे आशीर्वाद दीजिएगा। बोला साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, चार रुपए की लागत है, छह में पिलाता हूं और अगली दो पंक्तियां आपको दे रहा हूं संभालिएगा। बोले ईमानदारी से चाय बनाता हूं, चार रुपए की लागत है, छह में पिलाता हूं, हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं, सावधान हो जाता हूं 26 जनवरी को। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगणना सुनता हूं, देशभक्ति एक पंक्ति में बिल्कुल नई देशभक्ति आपको बताता हूँ। सावधान हो जाता हूँ जब भी जनगण मन सुनता हूँ, कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूँ, कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूँ, सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूँ, इस पौधे को रोज पानी डालता हूँ, छोटी बहन के साथ खेलता हूँ, उसे दुलाता हूँ, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू एक रुपया नहीं लेता, अंतिम पंक्ति सौंप के अपना स्थान दूंगा। मुझे बताइए फालतू एक रुपया नहीं लेता, बस यही करते करते